बज बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक हैं महावीर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, विलेज पौली, सरधना रोड, मेरठ। तेंदुआ परिवार ने वन विभाग के लिए मुसीबत बढ़ा दी है। वन विभाग ने तेंदुआ पकड़ने के लिए सोमवार को पिंजरा लगाया था, लेकिन मंगलवार सुबह पिंजरा बंद मिला। पिंजरा बंद होने के बारे में जब वन विभाग से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि पिंजरा आम के बाग में एक पेड़ के नीचे लगाया गया था तथा तेंदुआ पेड़ पर चढ़कर पिंजरे के ऊपर कूद गया, जिसकी वजह से पिंजरा बंद हो गया। वहीं लोगों का कहना है कि सुबह सवेरे पिंजरे के बाहर दो तेंदुए को बाहर बैठे हुए देखा गया, जिसके बाद सुबह सवेरे वह नजदीकी ईख के खेत में घुस गया, जिसके बाद वन विभाग के एक कर्मचारी ने दूसरे पेड़ पर चढ़कर दो तेंदुओं के होने की पुष्टि की, लेकिन अधिकारियों ने लगभग 1 किलोमीटर दूर पर ऑपरेशन तेंदुआ शुरू किया। ग्रामीणों का कहना है कि तेंदुआ सारी रात शिकार की तलाश में गांव के नजदीक ही पिंजरे के पास बैठा रहा। यहां से पिंजरा हटाकर दूसरी जगह लगाना गलत है। वहीं वाइल्ड लाइफ केयर के एक्सपर्ट दीपक खुशियान का कहना है कि पंजे के निशानों से मादा तेंदुआ है। आइए सुनते हैं क्या बता रहे हैं प्रभागीय निदेशक मेरठ राजेश कुमार। किठोर थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव में सूचना मिली थी कि तेंदुआ दिखाई दिया है। उसी के क्रम में हम लोगों ने एक पूरी टीम बनाई हुई है अपनी, वहां पर वो मुस्तैदी से लगे हुए हैं। उसके क्रम में दो पिंजरे लगाए गए हैं, कैमरा ट्रैप्स भी लगाए गए हैं। उसके अलावा गाँव वालों के साथ मिल के उनको किस तरीके से सुरक्षित वो रह सकते हैं और वन्यजीव की सुरक्षा किस तरीके से की जा सकती है, उसके लिए पूरा संदेश दिया जा रहा है और काफ़ी अच्छा सपोर्ट भी वहाँ पर मिल रहा है। आशा करते हैं कि ये जो ऑपरेशन लेपर्ड जो है वो सक्सेसफुल रहेगा। सर, ये कहाँ से आया, अभी तक कुछ पता चला कहाँ से आया, कहाँ इसका कोई मकसद या किसी को अभी तक हानि भी पहुँचाई है इससे? नहीं, बिल्कुल, ये केवल जंगल से निकल के जो है स्ट्रे हो जाते हैं कई बार वन्य जीव जो होते हैं। बिल्कुल भी उसका ऐसा पैटर्न नहीं है कि उसने किसी जानमाल का नुकसान किया हो या किसी इस तरह की सूचना बिल्कुल भी आज तक नहीं मिली है और आशा करते हैं कि आगे भी किसी जानमाल का नुकसान नहीं होगा। सर, बहुत सारे वीडियो भी इसमें गांव वालों ने वायरल किए हैं कि वो जगह जगह देखा जा रहा है 3-4 किलोमीटर के अंदर। नहीं, इस तरह की मुझे कोई जानकारी नहीं है। बाकी वहाँ पर पूरी टीम जो है मुस्तैदी से 2 दिन से टकी हुई है। बिल्कुल। कितने